प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारड़ साहब, और ये दोनों ना सिर्फ बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि चर्चा करेंगे पाकिस्तान के हालात के बारे में भी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। द फॉल ऑफ काबुल, इनकी जो बची खुची इज्जत थी वो भी खत्म। अब ना इनसे ना दुश्मन तो क्या डरेंगे इनसे, अपने जो दोस्त हैं वो ही कांपते फिर रहे हैं कि जो खुद अपने आप को बचाने की सलाहियत नहीं रखते वो हमें क्या बचाएं। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो ईरान रिटेलिएट करेगा, अमेरिका हाई अलर्ट के ऊपर है, और एक और आपको बात बताना चाहूंगा कि दो कंट्रीज इस वक्त मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अमेरिका को खींच के जंग में ले आया जाए। एक कंट्री इसराइल है और दूसरा यूक्रेन है, क्योंकि दोनों ईरान को तो इस वक्त इसराइल को तो खुल खुला के ये पैसे भी देते हैं और आर्म्स भी दे रहे हैं। यूक्रेन से ये पैसे आधे जाते हैं आधे खुद ही खा पी जाते हैं, जिस तरह आप खाते हैं दुबई और लंदन में, इसी तरह। या क्योंकि आपको पता है अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा करप्ट है कि आप सोच नहीं सकते। इस वक्त टोनी बिल्कन भी बोइंग के बोर्ड से आए हैं, इस वक्त जो हमारे सेक्रेटरी डिफेंस है लॉयड ऑस्टिन वो रेथियन के बोर्ड से आए हैं। ये सारे कमीशन लेते हैं, केक बैग्स लेते हैं और एंजॉय करते हैं। तो दर हकीकत दो ममालिक चाहते हैं यूक्रेन के अमेरिका भी इसके अंदर आए, ताकि हमारे और डॉलर बने और मजे करें। यूक्रेन आपको बताना चाहूंगा दुनिया का ईस्टर्न यूरोपियन ब्लॉक का बिल्कुल यूरोपियन ब्लॉक का एक करप्ट ग्रीन कंट्री है, करप्शन की वजह से वो बहुत ज्यादा मशहूर है पहले। अब उससे हम आगे जो अगली बात डिस्कस करना चाहेंगे, इस वक्त आप भी इसी तरह के हालात से गुजर रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से, और दूसरा आपने भी भारत का इलेक्शन है वहां पे, आपके वहां पे उनके डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि हम घुस के मारेंगे, आपके ख्वाजा आसिफ साहब ने उसको इलेक्शन में चेंज करने की कोशिश की, और मेरे ख्याल में इलेक्शन ही होगा। मैं भी इस चीज से एग्री करता हूं कि इलेक्शन की वजह से ही इस तरह की स्टेटमेंट आई है राजनाथ साहब की। उसकी वजह यह है कि मैं नहीं समझता कि भारत जो है वो इस तरह का कोई स्टेप लेगा। उसकी वजह यह है उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है 8.4% पे, वो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट चाहते हैं, वो बजाय इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में क्यों अपने सिंह फंसाएंगे। मेरा ख्याल में दिस इज मैं यही कहूँ, ख्वाजा साहब की बात से एग्री करूंगा कि इलेक्शन का दौरा है वहां पे। लेकिन यहाँ पे एक जरूर बात करूंगा कि गार्डियन ने जो अगले दिन एक तरह से जो भारत को एक्सपोज करने की कोशिश की है या जो कुछ भी लिखा है, मेरे ख्याल में वो बजाय नेगेटिव पे पॉजिटिव जाएगा कि हाउ सीरियस मोदी एडमिनिस्ट्रेशन इज टू सेव इंडिया और सेव इंडियंस। तो वो एक कहते हैं ना, हर तस्वीर को देखने के दो एंगल होते हैं, तो वो उस लिहाज से है। अब उसके बाद बात करते हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरेबिया चले गए, और सुना है कि काफी कैबिनेट के लोग भी साथ उनके गए हैं, जो कि एक रवाज है कि 300-300 बंदों का जुलूस लेके जाना, खैरात मांगने जाना हो वो भी प्राइवेट जहाजों में जाना, $10,000 के सूट पहन के, गुची के शूज और रोलेक्स की घड़ियां पहन के खैरात मांगने का रवाज आज का नहीं, बहुत पुराना रवाज है पाकिस्तान में। मैं अमेरिका में बल्कि मैं हैरान हूं, एक दफा यहाँ के मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से इसको फोर्ड किया था, मेरे सीनियर मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब आए थे, तो वो साथ अपने कुक भी साथ लेकर आए, फोटोग्राफर भी उनका अपने मीडिया का, तो हमेशा लेकर जाते हैं कुक, और साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने 4 बोनस दिए अपने स्टाफ को, एक दो नहीं देना चाहिए, क्या फर्क पड़ता अपनी जेब से, बादशाहों वाले अंदाज है, मुगलिया दौर है, चलो मुगलों के रिश्तेदार हैं सारे के सारे, ये मुगलों के रिश्तेदार हैं, बाकियात हैं मुगलों के, और उसमें 400-400 लोगों का जुलूस जाना मैं भूल नहीं सकूंगा। यूनाइटेड नेशंस के इजलास में गए थे तो साथ अपनी धोती को ले गए थे और उन्होंने फ्रंट सीट पे बिठाया था। मेरे ख्याल है आज तक यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री में पहले नहीं हुआ होगा कि कोई प्राइम मिनिस्टर आए और साथ किसी बच्चे को वहां पे शुगल दिखाने के लिए ले आए। तो ये आपकी हिस्ट्री इस तरह की है। मेरी नाकस जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें ये है कि ये यहाँ जाएंगे सऊदी अरेबिया, सारी फैमिली गई है, और वहां से ये सारे कुछ लंदन चले जाएंगे, हो सकता है सारे चले जाए, क्या फर्क पड़ता है, वहां ईद गुजारी जाए जाके सरकारी खर्चे पे, तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो अर्ज करना ये चाह रहा हूँ आरजू, जो मैं आपसे आज सवाल पूछूंगा, बल्कि 250 मिलियन पाकिस्तानियों से ये सवाल पूछना चाहूंगा, जो पाकिस्तान के अंदर एक रवाज है कि सरकारी खर्चे के ऊपर जाके उमरा करें,
क्या ये जायज है? इखलाकी तौर पे तो जायज नहीं, इखलाकी तौर पे ये जायज नहीं, क्या इस्लामिक तौर पे भी ये जायज है? एक कंट्री जो बहुत ज्यादा मकरूज हो, दुनिया का करप्टीन कंट्री हो, लोग भूख से मर रहे हो और वहां के लोग सरकारी खर्चे पे जाके उमरा अदा करें, अगर एक इखलाकी तौर पे इसका जवाज नहीं है तो मजहबी तौर पे इसका जवाज क्या होगा? क्योंकि कहा गया है, मैं जब ये पढ़ रहा था कि हिस्ट्री में इसका एक ट्रेडिशन है कि पाकिस्तान का जब बनता है आर्मी चीफ बनता है वो भी सऊदी अरेबिया जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो भी सऊदी अरेबिया जाता है, वो ना सिर्फ खैरात मांगता है वहां जाके उमरा भी करता है। क्या ये जायज है इस्लामिक तौर पर? आप एक डिप्लोमेटिक दौर, आप खैरात मांगने तो चले, आप चले गए, लेकिन आप वहां पे ये दूसरा साथ ड्रामा क्या है भाई? ये मेरी समझ से बाहर, मैं खुद इस पे हैरान भी हूं, परेशान भी हूं कि ये क्या इस आपने अपने मजहब का एक मजाक बना दिया। बार बार मुझे सोचने पे मैं मजबूर हो जाता हूं। मुझे आज किसी ने भेजा है कि दुनिया में आज तक किसी ने इतना एहतजाज नहीं किया जितना फलस्तीनियों के लिए पूरी दुनिया में किया जाता है, वॉशिंगटन, दुनिया के हर कैपिटल में। उसका रिजल्ट क्या? जंग बंदी हो रही है? नहीं हो रही, नहीं हो रही। इसराइल अपने अहदाफ अचीव करेगा। 33,000 फलस्तीनियों को मार दिया गया। जो मेरी ख्वाहिश थी आरजू, जो मैं समझता हूं, मेरा जो पॉइंट था उस पर, मेरी ख्वाहिश थी कि फलस्तीनी खुद हमास को रिजेक्ट करते, रिजेक्ट करते हमास को कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, बस करो, हम निकल जाओ यहां से, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्या वजह। दूसरा उसमें बिलखसूस मैं, मुझे जब अगले दिन मैं कई डिस्कशंस में, कई सिटिंग्स में, पब्लिक स्पीकिंग में जाता हूं, जो मेरे लिए आजकल मैं जब लोग कहते हैं ये कर रहे हैं, आपने देखा है ज्यूश की पॉपुलेशन 15.5 या 15.6 मिलियन है, 15 मिलियन, 200 से ज्यादा नोबेल प्राइजेस हैं। साइंस आप 2 बिलियन पहुंच चुके हैं, आपको पता है कि आपके पास कितने नोबेल प्राइजेस? 15 नोबेल प्राइज। आपने पढ़ने से, लिखने से, साइंस से, आज का नहीं है, कई अरसे से बायकॉट इस रीजन के अंदर। जब मैं सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री पढ़ता था, सर सैयद अहमद खान का सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद एहसान यह था कि उन्होंने आप में डिग्रियां बांटी, डिग्रियां बांटी, क्योंकि आप बहुत पीछे रह चुके थे। जब यहां से मुगलों का जवाल आया तो आपने कहा इंग्लिश पढ़ने वाले काफर हो जाएंगे, आपने इंग्लिश से बाइक, आज भी अंधे हैं आप, पाकिस्तान में तो इंग्लिश किसी को नहीं आती। आपके पड़ोसी मुल्क में जाता हूं, रिक्शे वाला इंग्लिश बोल रहा है, चाय बेचने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है, डिजिटाइज हो चुके हैं, अगली सेंचुरी को हाथ डाल रहे हैं, वो कहते हैं अगली सेंचुरी हमारी है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर स्किल अपनी हम हासिल करेंगे अगली सेंचुरी, वो कहते हैं हम चैलेंज करेंगे वेस्ट को, चैलेंज करेंगे दुनिया की हर सुपर पावर को, चैलेंज करेंगे किसकी बेस पर? नॉलेज की बेस पर। और आपकी क्या बेस है? जिहाद, जिहाद। इन बच्चों गज़वा हिंद और जिहाद, सर बस यही चलता रहता है। लेकिन सर प्राइम मिनिस्टर ने एमबीएस से भी मिलना है, तो यकीनन कुछ खुशखबरी लेकर आएंगे, कुछ मांग के लाएंगे। देखें आरज़ू, मैं अब 2-5-6-7-8 बिलियन मांग लेना, ले आना, मैं उसको खुशखबरी नहीं समझता। इनके लिए खुशखबरी है ना, पब्लिक के लिए तो नहीं। ये अपनी प्रॉपर्टियां खरीदेंगे उसमें, इनके लिए खुशखबरी। मुझे ये बताया, मैं मेरा क्वेश्चन, आपने अफगानिस्तान के अंदर जब रशिया आया तो आपको पता आपने कितने बिलियंस डॉलर्स बनाए? मैं जिस पार्टी का वर्कर हूं, उन्होंने आते ही सबसे पहला ट्वीट क्या किया था कि $35 बिलियन आप हमारा खा गए, वो किधर गया? तो डॉलर लाना या बातें करना, मुझे ये अब मुझे नहीं है, 250 मिलियन मुसलमान जो पाकिस्तानी है उनके लिए भी कोई नई खबर नहीं है कि डॉलर, मैं हमेशा क्या कहता हूं, डॉलर लाना को बहादुरी नहीं है, जो इन डॉलरों को पाकिस्तान में रोकेगा वो बहादुरी हो, जो ये पैसा गरीबों तक पहुंचाएगा वो बहादुरी हो, ये वहां से पैसे ले आना, वर्ल्ड बैंक का फ्रॉड कर लेना, लंदन में प्रॉपर्टियां बना लेना, ये अब सारे नतू फतू कर रहे हैं भाई पाकिस्तानी, ये सारे कर रहे, कोई नई बात नहीं है। अब कोई पैसा लेकर दुबई भाग गया तो कोई बहादुरी नहीं है, बहादुरी ये होगी कि कोई डॉलर रोक के दिखाए। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों ने
ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि चर्चा की भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं यानी राजनाथ सिंह, जिन्होंने हाल ही अपने इंटरव्यू में ये कहा कि वो पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान भी हाल फिलहाल में भारत पर इल्जाम लगाता रहा है कि भारत पाकिस्तान में घुस के लोगों को मरवा रहा है, यानी कि आतंकियों को मरवा रहा है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।